हाय देयर, माय नेम इज़ संजय एंड आप देख रहे हैं लॉकडाउन डायरीज़। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RO के पानी के बारे में। हेमा मालिनी जी का कहना है कि कैंट देता है आपको सबसे साफ़ पानी। असलियत तो ये है कि कैंट हो या कोई सा भी RO सिस्टम, आपको वो सबसे ज़्यादा साफ़ पानी देता है क्योंकि उसका TDS काउंट कम हो जाते हैं। कि कोई सा भी RO सिस्टम आप अपने घर में इंस्टॉल करिए, एक ग्लास साफ़ पानी के लिए कोई भी RO सिस्टम 3 ग्लास पानी को रिजेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 लीटर साफ़ पानी ले रहे हैं एक RO सिस्टम से, तो आप 3 लीटर पानी को रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वॉट वी आर रिजेक्टिंग। अगर ऐसा ही चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम हमारा पूरा पानी को सिर्फ वेस्ट कर देंगे एंड द होल कंट्री विल गो ड्राई आउट। सारे वाटर बॉडीज सूख चुके होंगे और हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस रिजेक्ट वाटर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप RO के रिजेक्ट वाटर को रिसाइकल करके उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का कंटेंट आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। यह अपने आप में एक यूनिक कंटेंट है जिसको मैंने आपके लिए अभी रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के हमारे वीडियो का बूबू है ये एक नॉर्मल TDS कैलकुलेट मीटर है जिससे हम TDS को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे घर पे जो भी हम RO से वाटर रिजेक्ट करते हैं उसको हम एक 70 लीटर की कैन में स्टोर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक हार्ड वाटर है जो कि RO से रिजेक्ट होके आया है। अब इस पानी को हम या तो गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर मॉपिंग के लिए। मगर इससे जब हम मॉपिंग करते हैं तो टाइल्स के ऊपर कुछ ना कुछ वाइट सरफेस बन जाती है जो कि हार्ड वाटर की स्केलिंग होती है। इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक घर पे एक डिवाइस असेंबल की है जो कि है ये कस्टम मेड होममेड RO सिस्टम है जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, एक प्री फिल्टर लगा हुआ है, एक वाटर पंप लगा हुआ है। 3 फिल्टर्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है इनलाइन प्री कार्बन फ़िल्टर, उसके बाद में सेडिमेंट फ़िल्टर एंड उसके बाद में पोस्ट कार्बन फ़िल्टर। इस सेटअप को हम लोग एक सबमर्सिबल पंप से यूज़ करते हैं। इस सबमर्सिबल पंप से हम वाटर को पंप करते हैं हमारे कस्टम मेड होम RO सिस्टम में। इस ग्लास में जो आप पानी देख रहे हैं ये हमारे घर का टैप वाटर या जिसको हम रॉ वाटर बोलते हैं वो है। अगर मैं इसका TDS कैलकुलेट करूं तो इसका TDS अभी आ रहा है अराउंड 615। होल्ड कर लेते हैं। TDS की रीडिंग आ रही है 622। ये TDS हमको चाहिए 100 या 150। जो हमारे घर का RO वाटर है उससे जो हमको रिजेक्टेड वाटर मिलता है उसकी TDS वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। होल्ड करते हैं। इसकी TDS वैल्यू आ रही है अराउंड 834। जो नॉर्मल RO की मेम्ब्रेन होती है वो 1200 TDS तक फिल्टर कर सकती है। उसके ऊपर हमको इंडस्ट्रियल मेम्ब्रेन्स चाहिए होती है। हमारे घर की जो होममेड RO सिस्टम है जो कि ये है, जैसे मैंने आपको बताया सबमर्सिबल पंप से मैं पानी को इस मशीन में पुश करता हूँ और उसको हम लोग एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। चलिए इसको चालू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा RO स्टार्ट हो चुका है। कंटेनर से मैं पानी को पंप कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर रहा हूँ। इसका जो रिजेक्ट वाटर है उसको मैंने स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इसका रिजेक्टेड वाटर बहुत ज़्यादा हैवी होगा, हार्ड होगा। ये मेरा फ्री फ़िल्टर है, इसके अंदर मैं यहाँ से इनलेट ले रहा हूँ और अपने RO मेम्ब्रेन को पानी देते हुए मैं यहाँ से वाटर कलेक्ट कर रहा हूँ इस पाइप से। इस पाइप को मैंने अपने एस्थेटिक्स के हिसाब से दीवार माउंट करके रखा हुआ है। आ जाओ। और जो मेरी कस्टम मेड मशीन है RO की, RO प्यूरीफायर, उससे हम यहाँ पे अगेन पानी को कलेक्ट करते हैं। इस पानी को हम नहाने के लिए, एक्वेरियम में या सब्जियाँ धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हार्ड वाटर के कारण किसी के बाल झड़ते हैं तो वो इस पानी का यूज़ कर सकता है या कर सकती है। आइए इस पानी का भी हम TDS कैलकुलेट कर लेते हैं। स्वीट 99। आपने देखा था जो मेरा रिजेक्टेड वाटर था उसका 800 प्लस TDS था और उसको फिल्टर करके हमने फिर से इसको 99 TDS या 100 TDS तक लेके आ गए हैं। ये पानी एक्वेरियम्स के लिए बहुत अच्छा है। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये इस सिस्टम का रिजेक्ट वाटर है। इसकी रीडिंग हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग है 2220 मल्टीप्लाइड बाय 10 का मार्क लग रहा है। 222 पे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2220 TDS हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ये इतना हार्ड वाटर है कि अगर इसको मैं स्टोर करूँगा तो वो मेरा कंटेनर को भी ख़राब कर देगा, इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। ये है हमारा RO का रिजेक्टेड वाटर जो कि मेरी घर की बनाई हुई मशीन से रिजेक्ट हो रहा है। तो देखा आपने कितने आसानी से हम रिजेक्ट वाटर को एक ड्रम में कलेक्ट कर सकते हैं और उसी को फिर से रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं। जो मशीन मैं बनाया हूँ, जो RO सिस्टम मैंने घर पे असेंबल किया है, इसकी कॉस्ट 3000 रुपये से भी कम है। अगर आपके घर पे RO का मेम्ब्रेन कोई रिप्लेस करता है तो उसी मेम्ब्रेन को आप इस प्री फिल्टर में या फिर जो मैंने घर पर बनाया है फ़िल्टर, उसमें आप वही मेम्ब्रेन फिर से यूज़ कर सकते हैं।